ओके, ग्राफ्स में आज हम पढ़ने वाले हैं पैराबोला। पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, दैट इज वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ये। यही क्या होती है आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और इसमें कंडीशन क्या रहती है कि ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जो ए है जिसके साथ एक्स स्क्वायर है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो अब देखिए, तो ये ए क्या हो सकता है, या ए तो या तो ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, या फिर जो ये ए है दैट इज लेस देन जीरो हो सकता है। अब देखिए, जो ये पैराबोला है, इसका जो ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है? वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा ऐसे। ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि ए ग्रेटर देन जीरो है या फिर ए लेस देन जीरो, इन दोनों के लिए ग्राफ क्या हो जाएंगे, थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे। अभी हम केस ले लेते हैं कि ए जो है दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो इस केस में आपके पास ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और जो ग्राफ है वो हो जाएगा कुछ ऐसा। यानी इस केस में आपके पास अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इसको हम क्या बोलेंगे? अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। अब नेक्स्ट कंडीशन। अच्छा, इसमें देखिए, आपके पास जो इक्वेशन होगी वो कुछ ऐसी होंगी, y y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप चाहिए, मान लेते हैं इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाता हूं ऐसे, और ये मैं लेता हूं यहां पे एंगल, तो ये एंगल क्या बताता है? इसका स्लोप बताता है। तो अगर मुझे इस पॉइंट पे इसका स्लोप चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये हमें क्या बता देगा? स्लोप बता देगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास जो ए है, ए इज लेस देन जीरो, यानी ए क्या है आपके पास? नेगेटिव है। तो उस केस में आपके पास क्या हो जाएगा? उस केस में आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ, ये आपके पास वाई है, ये एक्स है, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा आपके पास? ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसे, यानी डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये हो जाएगा आपके पास। और अगर इसका आपसे पूछा गया कि आपको इसकी स्लोप बताना है किसी पॉइंट पे, तो कैसे बताएंगे आप? डी वाई बाई डी एक्स, यानी यहां पर वाई क्या होगा हमारे पास? वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ए क्या है यहाँ पर? नेगेटिव है। तो अब देखिए, हमारे पास ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास माइनस टू ए एक्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा आपके पास। सॉरी, खाली बी होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? किसी पॉइंट पे स्लोप आ जाएगा। अब अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से दी हुई है, यानी एक्स इज इक्वल टू ए बी एक्स इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरीके से कुछ इक्वेशन हमको दी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पैराबोला है वो किस लाइन के अबाउट बनेगा? एक्स के अबाउट बनेगा। तो इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगी? पैराबोला कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये एक्स है और ये आपके पास वाई है, और इस केस में हमारे पास ए इज ग्रेटर देन जीरो होगा। अगेन, अगर हमारे पास ए इज लेस देन जीरो हो जाए, ए इज लेस देन जीरो हो जाए, यानी ए नेगेटिव हो जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाएगा।
ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं राइटवर्ड ओपनिंग पैराबोला। और इसको हम कह सकते हैं लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये हो जाएगा आपके पास ये वाई और ये एक्स। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास ये सब नहीं दिया हो, आपको सिर्फ इतना दिया है, यानी आपको बोला गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका ग्राफ देखो प्लस में है, यहाँ पर x का जो कॉफिशियंट है वो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कितना है 1, और वो पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा। लेकिन अब इस केस में आपके पास जो ये ग्राफ बनेगा वो इस लाइन को टच करेगा, इस लाइन को x की लाइन को टच करेगा ये। ठीक है, ये एक्स की लाइन को टच करता हुआ जाएगा यहां से। वहीं अगर हमारे पास वाई इज इक्वल टू सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए, तो क्या हो जाएगा आपके पास ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये एक्स है और ये वाई है, और ग्राफ आपके पास हो जाएगा कुछ ऐसे, इस लाइन को टच करता हुआ जाएगा ये। वहीं अगर हमारे पास आपको कहा गया है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो इसके लिए कैसा ग्राफ बनता है, राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला, तो आपके पास ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये x और ये y, तो आपके पास ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसे, इस लाइन को टच करता हुआ। वहीं अगर आपके पास है x इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका ग्राफ भी हमारे पास कैसे बनने वाला है, लेफ्ट वर्ड ओपनिंग पैराबोला, यानी इसको पैराबोला को हमें ऐसे बनाना होगा। ठीक है, ये वाई और ये एक्स, तो इस तरीके से आपके पास पैराबोला के ग्राफ बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखो फिजिक्स में कहाँ यूज होता है इसका, थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा गया है कि एक मास है, एम मास है, और इसके पास कुछ वेलोसिटी है वी। ठीक है, एंड वेलोसिटी इज वेरिएबल, यानी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आपको बोला गया है कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, यही हो जाएगी। तो अब देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर से, तो हमारे पास ये तो क्या है, ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, हाफ एम ये कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी चेंज होने से क्या चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। तो अब अगर हमें इसके लिए ग्राफ बनाने को बोला गया है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाएगा, ये इस लाइन को टच करेगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया आपके पास वेलोसिटी। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको कई बार कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको कहा गया है कि आपके पास जो एक्स है दैट इज देखिए आपको कहा गया एक्स इज इक्वल टू 9t² एंड वाई इज इक्वल टू 3t है, तो आपको इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, और एक्स और वाई के बीच में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यहां पर देखो एक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम, अगेन वाई इज फंक्शन ऑफ टाइम। अब हमें क्या करना है, एक्स और वाई को एक दूसरे कि डिपेंडेंसी में एक फंक्शन बनाना है, वो किस तरीके से बनेगा, तो देखो y इज इक्वल टू 3t है, 3t है, तो यहां से t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y बाय 3। अगर हम इस t की वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं तो
तो हमें x क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 9 इंटू y बाय 3 t का होल स्क्वायर, y बाय 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे t स्क्वायर है, तो हमारे पास x किसके बराबर आ जाएगा, x आ जाएगा हमारे पास 9 इंटू y स्क्वायर बाय 3, तो यहाँ से x हमारे पास किस, सॉरी 3 का भी स्क्वायर आएगा, तो ये कट गया आपके पास, तो x इज इक्वल टू y स्क्वायर आ गया। अब देखो इसका ग्राफ तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है, कैसा ग्राफ बनेगा इसका, इसका ग्राफ आपके पास बनेगा कुछ इस तरीके से, राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा इसका ग्राफ। नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिजिक्स में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के ग्राफ का भी काफी यूज होता है, ठीक है, एक दो मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इसके। देखो क्या होता है इसमें, अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की है, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एक्स और वाई का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है हर पॉइंट, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, इस केस में हम कह सकते हैं ये तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब x इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय y, और हम ये भी कह सकते हैं y इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x, यानी अगर आपके पास y इंक्रीज करता है तो x क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और अगर आपके पास y डिक्रीज करता है तो x इंक्रीज करेगा, यही मतलब होता है इसका। तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो इसका ये हमारे पास है y और ये हमारे पास है x, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है। देखो यहां पर आपके पास, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, तो इस पॉइंट पे हमारे पास x 1 की वैल्यू है, ये y की कुछ वैल्यू है, और इस पॉइंट पे हमारे पास क्या हो जाएगी, x की कुछ वैल्यू होगी और y की भी कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। और अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, यहां पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2 इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट, ये आपके पास होगा। तो यहां पर देखिए जैसे जैसे y की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, सिमिलरली यहां पर भी आप ले सकते हैं, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स वन और ये हो जाएगा आपके पास, सॉरी ये माइनस वाई वन और ये माइनस एक्स वन, और अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट लेता हूं तो माइनस वाई टू और ये हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स टू। अब यहां पर देखिए एक्स जब इंक्रीज कर रहा है तो वाई क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, भले ही हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है लेकिन इसकी नेगेटिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, तो जब नेगेटिविटी इंक्रीज करती है तो हमारे पास फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए अब यहां पर जैसे हमारे पास, आपको मान लो आइडियल गैस की इक्वेशन दे रही है, आपको कहा गया है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी है, ठीक है, आपको बोला गया है कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, यहां पर क्या है, ये क्या है, प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है, आर इज गैस कॉन्स्टेंट एंड एन इज नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए यहां पर आपको पी और वी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने को बोला गया है और कंडीशन दी हुई है आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल, ठीक है, तो आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है कि टी इज कॉन्स्टेंट, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, आइसोथर्मल का मतलब यही होता है, तो अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो n तो कांस्टेंट है, r भी यहां पे गैस कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है, pv इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, और अगर ऐसी कंडीशन मीट करती है तो इसका मतलब हम इसका ग्राफ बनाना जानते हैं, अब
तो कैसा ग्राफ बन जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा P और ये आपके पास हो जाएगा V, और ग्राफ कैसे बन जाएगा कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम लिखेंगे T इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है। तो इस तरीके से हमारे पास काफी जगह इस ग्राफ का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए आप लोग एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम। ठीक है, चलो इसमें आपके पास अगर आपको बोला गया है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर सम के एक्स, यहां पर k क्या है, k तो कांस्टेंट है। ठीक है, यानी आपके पास y इज फंक्शन ऑफ x, बट कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इसके लिए आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा ऐसा। और ये जो पॉइंट होगा यहां पे, इसमें देखिए x क्या है 0, y कितना है 1, ये y इज इक्वल टू 1 पॉइंट होगा, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। अब देखिए अगर हमें ये ग्राफ, ये फंक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है y इज इक्वल टू e की पावर माइनस के एक्स, तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, उस केस में अब क्या होगा, अब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है क्योंकि पावर क्या होगी नेगेटिव हो गई, और कैसा ही डिक्रीज कर रही है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। तो आपके पास ग्राफ कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये स्टीप ही होगा ऐसे। ठीक है, और ये फंक्शन ये यहां पर क्या होगा 0,1 होगा इस तरीके से। तो ये दो ग्राफ आपको याद रखने, ये दोनों ग्राफ आप लोगों के लिए काफी है। फिर लॉग के देखते हैं हम लोग, लॉग में आपके पास मान लेते हैं आपको कहा गया है y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स, ए क्या है इसकी बेस है। तो इसके लिए मैं आपको दो ग्राफ यहां पर बना के दिखाऊंगा। एक ग्राफ आपके पास कुछ इस तरह से होता है, दैट इज दिस वन। ठीक है, ये y है और ये x है, और दूसरा ग्राफ हमारे पास कैसे होगा, दूसरा ग्राफ हमारे पास होगा कुछ इस तरह का। ठीक है, ये आपके पास y और ये आपके पास x। अब ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये x को कट कर रहा है, तो ये 1,0 वाला पॉइंट होगा, और सिमिलरली ये भी कितना होगा 1,0 वाला पॉइंट होगा। अब देखो इसमें जो दोनों ग्राफ है ये कब कब हम बनाते हैं इनको, इसमें देखिए इसमें x तो जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और इसमें भी x क्या है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, x हमेशा क्या रहता है ग्रेटर देन 0 रहता है, यानी इस लाइन को ये टच नहीं करेगा, और इस केस में भी ऐसा ही रहेगा। बट यहां पर देखिए, यहां पर जो a है दैट इज ग्रेटर देन 1, ये जो पावर है, ये जो बेस है वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। और ये ग्राफ कब बनता है, जब आपके पास 0 इज लेस देन a इज लेस देन 1, यानी आपके पास जो a की वैल्यू है, जो आप क्या ले रहे हैं, आप बेस ले रहे हैं, उसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब यहां से कुछ और ग्राफ भी बन सकते हैं, ऑल्दो वो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है फिजिक्स से, बट फिर भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो उनको। देखो कैसे, मान लेते हैं कि आपको बोला गया है, मैं ए की मैं सारे ग्राफ ड्रॉ कर लूंगा यहां पर, ये आपके पास वाई है और ये आपके पास एक्स है, और सिमिलरली मैं एक और ग्राफ यहां पर बना देता हूं, ये आपके पास वाई है और ये आपके पास एक्स है। अब मान लेते हैं कि आपको कंडीशन क्या दी है, फर्स्ट कंडीशन आपको दी है कि एक्स जो है, एक्स इज ग्रेटर देन 1 और ए इज ग्रेटर देन 1,
सॉरी ग्रेटर देन वन। तो देखो a इज ग्रेटर देन वन तो मतलब ग्राफ कैसा बनने वाला है, इस तरह का कुछ ग्राफ बनने वाला है, लेकिन हमें बोला गया है x क्या है, ग्रेटर देन वन है, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू ले लेते हैं इसको, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास जो ग्राफ है वो यहां से स्टार्ट होगा, यानी ग्राफ हो जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। और वही अगर आपको इसमें कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है दूसरी कंडीशन कि अगर आपके पास x इज लेस देन वन, ठीक है, और इक्वल टू ले लेते हैं हम, और a इज ग्रेटर देन वन, तो आपके पास ग्राफ तो यही रहेगा लेकिन क्या बनेगा, सिर्फ इतना बनेगा, ठीक है, यानी जो मैंने ग्रीन ग्राफ बनाया एक इस कंडीशन के लिए, इन कंडीशन के मीट करता है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी इसी तरीके से अगर आपको बोला गया है कि x इज, पहले हम a की कंडीशन ले लेते हैं, a जो है दैट इज जीरो इज लेस देन a इज लेस देन वन, यानी a किसके बीच में, जीरो और वन के बीच में, और आपको बोला गया है कि x x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, x या तो ग्रेटर है या इक्वल टू वन है, तो आपके पास ग्राफ कौन सा बनेगा, सिर्फ इतना बनेगा, यानी ये ग्राफ आपके पास बन जाएगा। और अगर सेम कंडीशन में आपको दिया हुआ है, यानी जीरो इज लेस देन ए इज लेस देन वन, ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, समझने में थोड़ा आसान रहेगा, यानी आपको कहा गया है जीरो इज लेस देन ए इज लेस देन वन एंड एक्स इज अगेन लेस देन और इक्वल टू वन, तो इस कंडीशन में आपके पास ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये वाला ग्राफ आ जाएगा, यहां से ये वाला, यहां से ऊपर वाला, तो ये आपके पास लॉग एक्सपोनेंशियल और पैराबोला हाइपरबोला के ग्राफ थे, और हमें इससे ज्यादा फिजिक्स में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, खासतौर पर अगर बच्चे मेडिकल में हैं तो मेडिकल वालों को इतना भी करने की जरूरत नहीं है, हाँ नॉन मेडिकल यानी जो जेई वाले बच्चे हैं उनको जरूर इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ऑल्दो वो मैथ्स में भी इन ग्राफ्स को पढ़ते हैं, बट हमें फिजिक्स में थोड़ा सा आपको आइडिया देना होता है कि हमें इन सब चीजों को किस तरीके से यूज करना है, तो इतना आप लोगों के लिए काफी है।